के मोतिहारी में एक युवक में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH के कोरोना वार्ड में उसकी जांच हुई और सैंपल लिया गया है। दरअसल युवक नाइजीरिया में लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और तबीयत खराब होने पर 1 मार्च को भारत आया। कुछ दिन घर में रहने के बाद वो बाहर घूमने लगा। स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तब नहीं थी। इसी बीच सिर में दर्द की शिकायत को लेकर निजी डॉक्टर के क्लिनिक में 3 मार्च को पहुंचा। डॉक्टर ने उसकी खून की जांच कराई। जांच के बाद उसे मोतिहारी PHC रेफर कर दिया। वहीं बिहार सरकार कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम उठा रही है। सरकार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित कर दिया है। इन केंद्रों पर 13 मार्च से लेकर अगले आदेश तक सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक 76 साल के व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। कोरोना वायरस से देश में ये पहली मौत है। गुरुवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि हुई है। और वहीं भारत में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। नए मामलों में से 9 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, केरल और उत्तर प्रदेश से 2-2 मामले सामने आए हैं, एक एक मामला दिल्ली और लद्दाख से सामने आया है। न्यूज डेस्क।